दोस्तों नमस्कार, एक बार एक फिर एक लंबे अंतराल के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये महू रेलवे स्टेशन है और आज हम महू रेलवे यार्ड प्लस महू रेलवे स्टेशन का हम लोग ये काम देखेंगे। मैं देखता हूँ कितना लंबा वीडियो बनता है, संभव हुआ तो एक ही वीडियो में, या नहीं संभव हुआ तो फिर आपको दो वीडियो में आपके महू की डिटेल जो है वो आपको दिखाऊँगा। राव महू डबलिंग कार्य का मैंने एक ड्रोन व्यू जो है, पूरा ड्रोन का वीडियो मैंने ये कल ही अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। और आज हम महू स्टेशन से हम लोग शुरुआत करते हैं। महू यार्ड को देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये महू का स्टेशन एरिया है। इधर पीछे महू यार्ड देखिए, ये चार नंबर है। ये जो आपको पोल दिख रहे हैं, ये जो वाटर फिलिंग की व्यवस्था होती है जैसे कि ये है, तो ये वैसी व्यवस्था यहाँ पे भी रहेगी चारों प्लेटफॉर्म पे। और ये वाले प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन भी होना है ये यहाँ पे, लेकिन अभी चूंकि अभी यहाँ के कुछ बाधाएं वगैरह जो हैं वो हटना बाकी हैं, तो इसलिए अभी ये काम जो है वो बाद में किया जाएगा। अभी टेम्परेरी बेसिस पे लाइन का कनेक्शन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। अब हम दोस्तों हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ये ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी हुई है जो कि बैलास्ट वगैरह को लेकर खिंचाती है। ये पातालबानी एंड से दोस्तों आपको काम दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये दो लाइन और एक तीसरी लाइन का काम, चौथी पांचवी ये इसी, ये यहाँ पे ये आगे चार पांच लाइन रहेंगी टोटल। और अब उस वाला जो सेक्शन है जहाँ पे एमजी के जो कोचेज वगैरह खड़े हुए थे, अब वहाँ भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, वो वहाँ भी हम लोग आपको दिखाते हैं काम। ये दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे पूरा एमजी का ये सब पूरा यार्ड बना हुआ था, ये सब पटरियाँ उखाड़ी जा चुकी हैं, ब्रॉडगेज रेल लाइन जो है वो बिछा दी है। ये कई कोचेस जो आपको पहले दिखते थे वो अब साफ हो गए यहाँ से, वो कोचेस सब आगे खड़े हुए हैं, वहाँ भी हम चलते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। महू ब्रॉडगेज यार्ड की तस्वीर है दोस्तों। अरे एक्चुअली में बात ये है कि ये देखिए धूप थोड़ा इस तरफ है तो वो क्या इधर ये चल रहा था, उधर से ले लेंगे, उधर से ले लेंगे। तीन लाइन और आगे जो है वो आगे दो लाइन और रहेंगी, मतलब टोटल पांच लाइन का यार्ड यहाँ पे रहेगा। और ये जो लाइन है ऑलरेडी वो है, ये सब मशीनें जो हैं ये सब आ गई हैं। कोलमार मशीन T28 जो कि ट्रैक वगैरह और स्लीपर वगैरह का सब काम करती है। ये दोस्तों महू यार्ड का पातालपानी एंड है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये मेन लाइन रहेगी, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन लाइन है, बाकी ये सब ये लूप रहेंगी। यहाँ भी एक दो लाइनें अभी और बिछाने का है, देखते हैं कब तक ये सब काम होता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पूरे यार्ड में मैक्सिमम जो काम है वो पूरा किया जा चुका है, जो भी ऑपरेशन के लिए जो अब जरूरी है। और ये जो बचे काम हैं जो दूसरी लाइनों को बिछाने के, वो अब बाद में होते रहेंगे सीआरएस के। और जैसे प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का भी काम बाद में होगा, सिग्नल के पॉइंट्स जो हैं वो सब दे दिए गए हैं। अब लगभग अब ये महू यार्ड का 90% वर्क जो है वो करीब पूरा हो गया है। इलेक्ट्रिक पोल्स लग गए हैं, वायरिंग हो गई है, तकरीबन सब कुछ अब कंप्लीट है। ये कुछ अपडेट था ताज़ा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। आपको बता दूं कि जो सीआरएस है वो पहले 27 मई को होना था, लेकिन अब वो दो तीन दिन आगे खिसक रहा है, 30 या 31 मई माना जा रहा है, 31 मई के दिन ये सीआरएस होगा। जो भी होगा मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी जो है वो पूरी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।